अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको एक 6 साल की बच्ची का कुर्ता बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास जामावार का कपड़ा है और इस पे हम कुर्ता बनाएंगे और इस पे मैं आपको नेक डिज़ाइन भी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल डिफरेंट सा। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और इसकी जो टोटल विड्थ है फोल्ड करने के बाद वो मेरे पास 10 इंचेस बन रही है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 28 इंचेस। अब यहाँ पे इसका जो है, सबसे पहले मैं इसका तीरा ले लूंगी। तीरा जो है वो मैं तकरीबन 6.5 इंचेस का रख रही हूँ और इसके जो आर्म होल है वो 6 इंचेस। इसकी जो चेस्ट की फिटिंग है वो मैं तकरीबन 8 इंचेस रखूंगी। यहाँ से मैं जो है इन दोनों जो मैंने निशान ड्रा किए उनको आपस में अटैच कर लूंगी। यहाँ से इस तरह से और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 4 इंचेस का गैप देते हुए इसकी यहाँ से मैं इसकी फिटिंग रख लूंगी। फिटिंग जो है वो तकरीबन 7 इंचेस बन रही है। उसके बाद जो इसके चौक हैं वो तकरीबन 8 इंचेस। यहाँ से इसके हिप का जो है वो 8 इंचेस जो है वो फिटिंग। अब इनको आपस में यहाँ से अटैच कर लूँगी। यहाँ से गोलाई कर लें, गोलाई में दे लेंगे। इसकी जो टोटल जो दामन है, दामन में जितना हमने रखना है वो तकरीबन 8.5 इंचेस तक। यहाँ से इस तरह से मैं टोटल जो है वो निशान लगा लूँगी ताकि कटिंग के दौरान जो है वो कपड़ा आगे पीछे ना हो और जितनी ही मैंने निशान लगाया था उसी के हिसाब से इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल जो है वो जितना मैंने इस पे निशान ड्रा किया था उसके हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पे कट का निशान लगा लेते हैं। लेस के आर्म होल, ये फ्रंट और बैक साइड दोनों मैंने रखी हुई हैं और जो फ्रंट साइड बाद में इसको मैं थोड़ा सा डीप कर लूंगी। मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। अब ये नेक हम बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मैंने पेपर पट्टी ली है और इसकी सामने दामन वाली पट्टी बनाऊंगी सबसे पहले। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली है 13 इंचेस और उसके बाद यहाँ से इसको फोल्ड करने के बाद तकरीबन ये मेरे पास 1.5 इंचेस तक बन रही है और तकरीबन जो है वो 1/2 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा लूँगी 1/2 इंचेस पे। यहाँ से स्केल की मदद से इसको फुल ड्रा कर लूँगी। देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है और अब मिड में मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये तकरीबन देखिए 1 इंचेस बन रहा है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं इस तरह से हटा के निशान लगा लूँगी।
दरमियान से इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया, अब इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट करके ये जो कपड़ा है फालतू थोड़ा थोड़ा रख के बाकी की मैंने कटिंग की है और उसके बाद इसको मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये हम शर्ट के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। ये शर्ट का फ्रंट साइड है और इसकी जो शर्ट की बैक साइड है वहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने बिल्कुल दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे दरमियान में मैंने सिर्फ इसकी दोनों साइड पे सिलाई लगाई है और दरमियान से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको दूसरी साइड पे इसको फोल्ड कर लूँगी। दूसरी साइड पे फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा है इसको मैं यहाँ पे दरमियान में लगाऊंगी ताकि ये जो ओपन है ये क्लोज हो जाए। ये देखिए इसको इर्द गिर्द से भी यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह तरीके से पेस्ट करेंगे। ये मैंने कपड़े को बिट वाले कपड़े को पेस्ट कर लिया। अब ये लेस जो है इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस लेस को मैं यहाँ से अंदर वाली साइड पे रख के बिल्कुल इसकी किनारी जो है वो भी बाहर निकालूंगी और इसको इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। अगर आप ये लेस यूज़ नहीं करना चाहते, कोई भी और लेस आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से फोल्ड करके दूसरी साइड पे भी, नीचे वाली साइड पे भी लेस लगा लेंगे। यहाँ पे भी सारी लेस जो है वो इस तरह से बिल्कुल दरमियान में करके अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये लेस जो है फ्रंट पे अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ये यहाँ पे मैंने गोल नेक की कटिंग की है मैंने, तो यहाँ पे अटैच करूँगी 5.5 इंचेस मैंने इसकी विड्थ रखी है, और तकरीबन जो है वो मिड वाली जो इसकी लेंथ है वो 5 इंचेस है। और यहाँ से मैंने इसको बैक साइड पे पेस्ट कर लिया है, और फ्रंट साइड पे एक कपड़ा लगाएंगे, और यहाँ से मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद ये देखिए हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने दूसरी साइड पे भी इसको लगा के फालतू कपड़े कट करके मैंने इसकी तुरपाई कर ली है, और ये इसकी मैंने बैक साइड भी रेडी कर ली है। बैक साइड का मेथड मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है, अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके आप शर्ट की बैक साइड की कटिंग और स्टिचिंग आप जान सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कंधे जो हैं वो भी मैं आपस में अटैच कर लूँगी, ये कंधे मैंने दोनों जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे फ्रंट पे ये देखिए हमारा नेक भी रेडी हो चुका है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल। और अब इसकी दोनों साइड पे ये लेस जो है इसको मैं अटैच करूँगी यहाँ पे, बिल्कुल कुर्ता स्टाइल में। तकरीबन जो है यहाँ पे मैं 2 इंचेस का कैप देते हुए यहाँ पे लैस को अटैच करूँगी, इस तरह से यहाँ पे यहाँ से मैं फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए मैंने लैस अटैच कर ली है, दूसरी साइड पे भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी शर्ट पे दोनों साइड पे लेस जो है वो अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल कुर्ता स्टाइल में। अब इसके जो स्लीव्स हैं वो भी मैं बिल्कुल सिंपली से मैंने कटिंग की है, और इसको भी मैं शर्ट के साथ अटैच कर लूँगी। आगे वाली साइड आप फोल्ड करें, मैं यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, अब इसको यहाँ पे शर्ट के साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने शर्ट के साथ स्लीव भी अटैच कर ली है, और ये आप देख सकते हैं हमारी शर्ट तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर वाले हिस्से की मैं फिटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद यहाँ से आपको मैं इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरह से हमारी खूबसूरत सी शर्ट रेडी हुई है। और फिर आपने हमें ज़रूर इनबॉक्स में आके बताना है कि कैसा लगा आपको ये हमारा सिंपल सा डिज़ाइन। तो ये देखिए हमारी शर्ट बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल फंक्शन के लिए। अब आप जो है वो इसके साथ किसी किस्म का कोई पाजामा वगैरह या जामावार का ही ट्राउज़र सिंपल सा अटैच कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।